ये वो जगह है, ये देखिए पूरा पित्तदरत। बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार। चलिए आज हम आपको छतरपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर धुवेला में स्थित महाराजा छत्रसाल की समाधि की ओर लेके चलते हैं। इसकी पूरी जानकारी साहित्यकार अशोक नारायण के माध्यम से अपन को प्राप्त होगी। चलिए चलते हैं अशोक के पास। जगह हम लोग विजिट कर रहे हैं, ये है महाराजा छत्रसाल की समाधि। सबसे पहले इस पर जो प्रश्न है ये है कि इनकी समाधि का निर्माण किया किसने था। इतिहास में अगर हम थोड़ा चलें तो कहानी ये है कि शिवाजी से प्रभावित होकर के, जो शिवाजी मराठा शासक थे उनसे प्रभावित होकर महाराजा छत्रसाल आते हैं और इस नगर को बसाते हैं जिसका नाम आज धुवेला है। और वैसे इनका जो मूल है वो धुवेला ही था, इनकी राजधानी थी, यहाँ से पास में ही छतरपुर है। छतरपुर का प्राचीन नाम छत्रसाल था, बाद में वो अपभ्रंश होकर के छतरपुर बन गया। इस समाधि की जो स्थापना करते हैं ये कहानी पक्की है। महाराजा छत्रसाल इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक शासन करते हैं और उनकी जो प्रथम पत्नी थी वो कमलापति थी, उनकी समाधि यहाँ पर पास में ही बनी हुई है। कमलापति की मृत्यु के बाद उनके पुत्र थे हरदा शाह, जो कि इस क्षेत्र का शासक बनते हैं, लेकिन उनकी एक पुत्री और थी जो बोली जाती थी कि शायद उनकी अवैध संतान है। उनकी शादी वो बाजीराव फर्स्ट से कर देते हैं, वो बाजीराव फर्स्ट की पत्नी के रूप में जानी जाती हैं। इतिहास में उनको काफ़ी सुंदर स्त्री और अमर प्रेम कथा के रूप में चिन्हित किया गया है। संजय लीला भंसाली ने उनकी ऊपर मूवी बनाई थी। बोला जाता है कि मस्तानी जी यहाँ से उठ करके, यहाँ से शादी होने के बाद पुणे चली गई, वहाँ पर उनका शासन था। शिवाजी उनके साथ बाजीराव प्रथम के साथ बैठ के वो शासन भी कर दी थी। मराठा सैनिकों को प्रशिक्षित भी उन्होंने किया, बोला जाता है बहुत कुशल तलवारबाज थी। लेकिन इस समाधि का जो निर्माण कराया था वो बाजीराव फर्स्ट ने कराया था। सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि बाजीराव फर्स्ट ने उनकी मृत्यु के बाद महाराजा छत्रसाल की समाधि का निर्माण कराया था। और ये जो समाधि थी कमलापति जो उनकी पत्नी थी उनकी मृत्यु के बाद, जब महाराजा छत्रसाल की मृत्यु हो जाती है तो मस्तानी के कहने पर महाराजा छत्रसाल के प्रति जो श्रद्धा थी उसको ध्यान में रख करके इस समाधि का निर्माण कराया गया था, जो कि महाराजा छत्रसाल की समाधि कहलाती है। और ये भी देखिए यहाँ पे आप मोटे मोटे तौर पे देखें तो व्यू आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास है, घना जंगल है, थोड़े से गांव पड़ते हैं जो बुलेट टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं, और ये पूरा आपको माउंटेन एरिया दिखेगा। यहाँ महाराजा छत्रसाल का पुराना महल था, जो कि पूरी यहाँ पीछे महाराजा छत्रसाल का एक पुराना महल आपको दिखेगा जो पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है। तो इस समाधि का निर्माण बाजीराव फर्स्ट ने कराया था। किस लिए कराया था? ताकि महाराजा छत्रसाल को एक सम्मान दिया जा सके, बोला जा सके वो छत्रसाल बुंदेलखंड है। अगर उसको भारत के पटल पे लाए थे उस समय पे कोई तो महाराजा छत्रसाल थे, मस्तानी इनकी ही पुत्री बोली जाती हैं। तो ये समाधि बाजीराव फर्स्ट के द्वारा बनाई गई थी। ये देखिए पूरा आर्किटेक्चर देखें इसको, ये जो आर्किटेक्चर है इसमें सबसे ज़्यादा अगर जो कुछ चीज़ यूज हुई है तो पत्थर यूज हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था इसमें सीमेंट इतना पॉपुलर नहीं था, सीमेंट था ही नहीं एक्चुअली मोटे मोटे तौर पर। यहाँ पर ये जो आपको पेस्टिंग दिखेगी ये लोकल मिट्टी से है, इसको यहाँ पर गारा बोलते हैं। पहले जो पुराने यहाँ मकान बनते थे ये जो पीली लाल पीली मिट्टी यहाँ होती थी इसको लाते थे। लेकिन इसका सबसे जो ज़्यादा स्पेशल दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि इस गारे को पीसते थे और उसमें शीशा, जो शीशा होता था उसको मिक्स करते थे, और साथ में उसमें उड़द की दाल अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी जो पेस्टिंग बनाई जाती थी वो इतनी मजबूत बनाई गई कि तभी 100-200 साल तक ये मजबूती के साथ खड़ा है। और इसका अभी भी अगर हम देखें, इसकी आप पेस्टिंग देखिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको अगर आप देखिए तो इसमें पत्थरों को तराशा नहीं गया, बल्कि पत्थरों को इसी मिक्सचर के साथ जोड़ करके इतने अच्छे तरीके से पेस्ट किया गया है ताकि ये लंबे समय तक चिपके रहें, सुरक्षित रहें। और ये जो आर्किटेक्चर था देखिए यहाँ पे ईंटों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और ईंटें अगर आपको दिखेंगी तो पत्थरों से ज़्यादा जो ये लास्ट में जब आते हैं उसमें पत्थर यूज होना शुरू, पत्थर की नहीं सॉरी ईंटें शुरू होना शुरू हो गई थी। जो ईंटें थी वो थोड़ी सी पतली थी और ऐसी थी कि ताकि ये
आराम से चिपक जाए, और उसी पेस्ट को मिला करके हमने इसको चिपका। चलो अंदर की ओर, ये आपको दिखेगी। बोला जाता है इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये वो जगह है जहाँ पर कभी महल लगते थे, दरबार होते थे, लेकिन आज अगर आप यहाँ देखें मोटे मोटे तौर पर तो कितना एकांत आपको यहाँ दिखाई देता है। वो बताऊँ कि ये जो जगह है ये यही आपको कमलापति के महल में भी दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप खड़े हों तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप गर्मी में हैं। हवाएं चारों तरफ से आ रही हैं, पूरे खुला हुआ है और हवा मतलब यहाँ पर आप सर्दियों में रहें, इसे क्लाइमेटिक तरीके से बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। ये देखिए शाम के अगर 4-5 बजे यहाँ पर पूरी तरह से धूप आती है, वहाँ से हवा आती है। ये इनका सेन कक्ष था एक्चुअली। ये मैं आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस से बता रहा हूँ, ये उनका ही महल था। सेन कक्ष जो बजरा मस्तानी भूमि में दिखाया गया था, यहाँ पर महाराजा छत्रसाल जी का निवास था, जहाँ हम अभी देख रहे हैं वो कमलापति जी का निवास था। और इसी निवास स्थान को बाद में उनके पुत्र हरदास राय ने इनको दफनाया और इसको समाधि का निर्माण कराया था। इसका तो कराया था बाजीराव फर्स्ट ने, जो कि उन दोनों के ही समकालीन था, और उनका हृदय साय नहीं कराया था। तो ये जो आपको एविडेंस दिखेगा यहाँ पे, आप देखिए विचरण करिए, ये पूरे सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत, बहुत ज़्यादा मजबूत। इसकी अगर मोटाई देखें आप तो बहुत मोटा है। और ये उनका पूरा महल आपको दिखाई देगा, सेम वही शेप आपको दिखाई देगा गुम्बद आकार का। अब चूंकि इसका थोड़ा सा रख रखाव मजबूती से ना होने की वजह से थोड़ा क्षरण हो गया, आपसे नए तरीके से सरकार प्लास्टर कर रही है। चलते ऊपर की ओर, चलिए हम चलते हैं ऊपर की ओर। ये देखिए आप सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो आपको दिखेगा, ये देखो महाराजा छत्रसाल यहाँ पर रहते थे। जो मूवी में दिखाया गया है कि जब बाजीराव को वेलकम किया गया था तो इसी महल पर किया गया था, यही उनका महल था। पीछे पहाड़ पर एक महल जो पूरा जर्जर हो चुका है, अगर वहाँ पर जाने की इजाज़त मिली तो हम लोग जाएंगे। पीछे और दिखेगा पूरा पहाड़ पर है वो, और यहाँ पर उनको वेलकम किया गया था। ये है पूरा जब उन्हें बोला गया था कि महाराज अब रणनीति बनानी है युद्ध की, तो ये वो जगह थी जहाँ पर महल था। ये देखिए पूरा कितनी अच्छी है, और यहाँ से आप व्यू देखिए, यहाँ से आप व्यू देखें। ये देखिए पूरे पहाड़, छोटे छोटे पहाड़, और ये दिखेगा आपको पूरा विंध्याचल माउंटेन। ये विंध्याचल है, ग्रेनाइट है, ओल्डेस्ट है बहुत ज़्यादा, ग्रेनाइट रॉक्स हैं। ये पूरा आपको दिखेगा, और यहाँ से लेकर के ये गया है 700-800 किलोमीटर दूर तक। और यही वो पर्वत है, ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिन्होंने इस क्षेत्र को इतनी मजबूती दी थी कि इस किले को भेद पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। अभी आपको दिखेगा एक छोटा सा महल है, एक वो है खड़े होते थे, ये सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। यहाँ से पूरा सैनिक था कि दूर से कोई भी घुड़सवार आए तो आप देखें। और ये जो पूरा इलाका था एक्चुअली अभी तो ये सूख गया है, लेकिन पहले यहाँ तक ही झील थी, ये सब जगह झील थी। महाराज वहाँ से यहाँ तक आते थे, यहाँ रुकते थे, ये पूरी झील थी। अब तो ये थोड़ा सूख गई है समय के साथ, लेकिन यहाँ पूरी झील थी। पर्वतों के इस पूरे इलाका जो हमारा था ये झील वाला रीजन था। ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये महल था जहाँ बोला जाता था कि बाजीराव जी का स्वागत किया गया। यहाँ पर ये वो जगह थी, यहाँ पूरा झील था, यहाँ छत्रसाल जी रहते थे, वहाँ महारानी रहती थी। यहाँ एक छोटा सा मंदिर था जहाँ पर बोला गया था कि साम्राज्य की जो स्थापना करनी है, सबसे प्राचीन इस क्षेत्र का कोई मंदिर आपको दिखेगा तो वो दिख रहा है। वहाँ पर थोड़ा जाना भी प्रतिबंधित है क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन वहाँ पर दोबारा रिन्यू कर रहे हैं वो लोग। ये जो महल था जहाँ पर उनके सेनापति रहते थे, और यहाँ पूरी जगह पर एक छावनी के रूप में तब्दील था। और बोला जाता था कि ये सेना इसलिए मजबूत थी क्योंकि इस क्षेत्र पर उनका प्रशिक्षण होता था। महाराजा छत्रसाल जिसलिए शासक बने, बहुत लंबे समय तक शासन कर पाए इस क्षेत्र में, हालांकि बहुत बड़ी शक्ति यहाँ से दून ज़्यादा पास। महाराजा छत्रसाल जो है वो यहाँ पर शासन कर पाए क्योंकि बोला जाता था कि उन्होंने बहुत मजबूत सैनिकों के अपनी सेना में भर्ती किया था। उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि ये इलाका उनका ट्रेनिंग एकेडमी भी था। इस पूरे क्षेत्र में प्रशिक्षण कराते थे, और इसी प्रशिक्षण की वजह से बोला जाता था कि चाहे वो पहले मुग़ल रहे हों, उन्होंने शासन स्थापित किया बुंदेल सैनिकों के बल पर, और बाद में मराठाओं ने जो अखंड भारत की स्थापना की, जिससे बगल में झांसी आपको मिलेगा वहाँ भी मराठा थे, सिंधिया आपको मिलेंगे वो भी मराठे थे, होलकर थे वो भी मराठे हैं, इंदौर वाले या पुणे था वो भी मराठे थे, भोसले थे वो भी मराठे थे। वहाँ पर हम देखें तो
तो वहाँ पे इस क्षेत्र के सैनिक, स्पेशल महाराजा छत्रसाल के सैनिक, हृदयसाय के सैनिक वहाँ जाते थे, लड़ाई करते थे। और बोला जाता था कि जहाँ पर ये खड़े हो जाते थे स्पेशल बुंदेला सैनिक, वहाँ पे विजय लगभग पूरी हो जाती थी। दो तीन क्षेत्र थे, एक तो हमारा उत्तराखंड दिखाई देता है, जहाँ से सैनिकों ने बहुत विश्व इतिहास में, भारत विश्व इतिहास हो या भारत के इतिहास हो, उसमें अपना बढ़ चढ़ के योगदान दिया। और दूसरा क्षेत्र आपको ये दिखाई देता है, इसलिए अगर मध्य प्रदेश में हम देखें तो एक क्षेत्र वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ से वीर निकले, उन्होंने युद्ध किए और हर जगह पर विजय प्राप्त की। ऊपर देखो ये पूरा गुम्बद आपको दिखाई देगा, ये है पूरा गुम्बद, और महाराज साले ही रहते थे। यही बप्पू गुम्बद दिखाई दे रहा है, टॉम आर्किटेक्चर, डॉम आर्किटेक्चर है, और यही वो जगह है। बोला जाता था कि यहीं पर उनको वेलकम किया गया था, जो ऊपर आपको छज्जा दिख रहा होगा, यहीं पर उनको वेलकम किया गया था कि आप आइए। और यहीं पर नीति बनी थी कि किस तरह से हमें अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना है। और इसी वजह से ये क्षेत्र जो है जिजाग भुक्ति के से बात करके बुंदेलखंड कहलाया जाए, इन्हीं महाराज छत्रसाल बुंदेला के नाम पर। पहले इसका नाम जिजाग भुक्ति था और इन्हीं बुंदेला शासकों ने इसको गौरव दिया और बाद में ये क्षेत्र उन्हीं के नाम से बुंदेलखंड कहलाया, यानी बुंदेलों की भूमि। क्या दिख रही है, ये महाराज छत्रसाल की समाधि है। ठीक है, सबसे पहले उनको प्रणाम करें। बोला जाता था कि ये वो थे जिन्होंने बुंदेलखंड को एक गौरव दिया। महाराज छत्रसाल की हम करते हैं, ये वो जगह है, ये देखिए पूरा पित्ता दौरा तकनीकी आपको दिखाई देगी, बहुत ही अच्छे ढंग से ये बनी हुई है। महाराज छत्रसाल का ये पहले निवास स्थान था, बाद में इसी को समाधि के रूप में कन्वर्ट किया गया, बाजीराव फर्स्ट के द्वारा इसे बनाया गया है। ये देखिए आप, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात वही है कि एक समय पे यहाँ पर साम्राज्य चलता था, पूरा बुंदेलखंड का शासन यहाँ से आता था। आज इसे देख के लगता है कि कितना गौरवपूर्ण इतिहास था और आज यहाँ कितनी खामोशी है। वैभवता को अपने आप को दर्शाता हुआ ये क्षेत्र, वैभवता को दिखाता हुआ ये क्षेत्र, आप लोग जरूर आए। ये रहा महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए महाराजा छत्रसाल के लिए। ये वीडियो जन जन तक पहुंचना चाहिए, बुंदेलखंड की आनवान शान का प्रश्न है, हर बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। जय बुंदेलखंड, जय भारत।